ए ने बेचा गुड्स बी को, तो यहां पर बायर कौन है, सेलर कौन है, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा एक्ट लगेगा, क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, क्या डेफिनेशन है, ये सब आज के टॉपिक में हम समझेंगे, जो कि है VNSU का सेम सिक्स का टॉपिक, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है TYVNSU यूनिवर्सिटी के लिए। मैं CS गौरव सेठ फ्रॉम शेपर्स एजुकेशन, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट मर्केंटाइल लॉज VNSU का सेम सिक्स, और वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इन डिटेल में आपको मर्केंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसको समझाने वाला हूँ, और ये मटेरियल जो है वो काफी कम अवेलेबल होता है, तो इस वीडियो को अच्छे से, ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। तो आइए देखते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसका ईयर भी हमें अच्छे से याद रखना है, 1930। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर डेफिनेशंस दे रखी है, उनका सबका सेक्शन जो है वो टू है, बाकी इनके सब सेक्शन जो है वो अलग होते हैं। जैसे कि हम सब सेक्शन वन की बात करें तो उसमें बायर की डेफिनेशन दे रखी है, और 13 2 सब सेक्शन 13 में सेलर की दे रखी है हमें डेफिनेशन। तो इट इज वेरी इजी, बायर और सेलर, बायर का मतलब वो है जो कि गुड्स खरीदता है, और सेलर मींस जो कि गुड्स जो है वो बेचता है। तो ये आपको सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर दे रखी है। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब भी हमें पता है, डिलीवरी मींस जब गुड्स जो है वॉलेंट्री, जब गुड्स की ओनरशिप और कंट्रोल जो है या पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, जब सेलर ने बायर को वो चीज डिलीवर कर दी, तो उसे हम बोलेंगे डिलीवरी। और डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है जब भी कोई गुड्स जो है उसकी कंडीशन हो गई है कि अब वो डिलीवर होने के कंडीशन में है, तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरेबल स्टेट। तो देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है, व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ देम। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि उसको अब, सेलर को अब डिलीवरी जो है वो करनी ही है, तो उसे हम बोलेंगे डिलीवरेबल स्टेट्स। अब हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें काफी बार पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ गुड्स, तो हम शॉर्ट में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सेक्शन अच्छे से याद रखना है, इसका सेक्शन है 2.7 में हमें गुड्स डिफाइन कर रखा है। तो गुड्स को हमें कैसे याद करना है, गुड्स मींस कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीजें मूव हो रही है तो वो ही इसके अंदर इंक्लूडेड है, अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं आएगी, अदर देन, मतलब गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन क्या क्या चीजें नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी ये है लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है, स्पेसिफिकली इसको हटा दिया गया है। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन, तो मनी जो है वो मूवेबल है, इधर से एक हाथ से देते हैं हम दूसरे, मूवेबल है लेकिन इसे हम गुड्स में इंक्लूड नहीं करते, इसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। और एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम मीन ऐसे क्लेम जिन पर हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये देखिए, आपको एक्शनेबल क्लेम की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है कि एक्शनेबल क्लेम्स आर क्लेम्स विच कैन बी एनफोर्स ओनली बाय एक्शन और सूट। जैसे कि अगर हम बात करें कि डेट है जो है, अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, तो इसीलिए यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली गुड्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बट गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, और कोई भी ऐसी चीज जो कि अटैच है या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेल है, जो कि हम उसको प्रोवाइड करेंगे जमीन से हटाकर, तो वो सारी चीजें जो वो है इंक्लूडेड है, अच्छे से याद रखना है। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन, और इसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है। आई होप आपको गुड्स की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई हो, इसको हमें अच्छे से याद करके जाना है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, मीन्स हमने गुड्स का डेफिनेशन तो देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब गुड्स जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अलग तरीके से क्लासिफिकेशन या टाइप या काइंड जो है उसके दे रखे, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप से डिवाइडेड है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टन गुड्स और अन असर्टन गुड्स। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में,
वॉट आर एग्जिस्टिंग गुड्स। तो सबसे पहले सेक्शन 6 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इसको डिफाइन कर दिया गया है कि एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। तो देखिए, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, सेल के टाइम पर एग्जिस्ट करता है वो गुड, तो उसे बोला जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। तो देखिए, आपको यहाँ पर दे ही रखा है, एग्जिस्टिंग गुड्स ऐसे गुड्स है जो कि एग्जिस्टेंस में होते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसे बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुड्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टन गुड्स और असर्टन गुड्स। तो सबसे पहले देखो, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकली वही चीज, तो जो भी चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर दी गई है और एग्री कर दी गई है एट द टाइम ऑफ सेल, मेरे को पर्टिकुलर यही चाहिए, यही गुड चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिकली यही चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर भी दे रखा है, ए है और बी है, ए के बाद पास बहुत सारे हॉर्सेस है और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया स्पेसिफिकली कि मुझे ये ओनली ब्लैक वाला हॉर्स जो है वो चाहिए, तो हॉर्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया, उस हॉर्स का एग्री कर दिया गया कि मुझे ये हॉर्स ही चाहिए। तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स हुआ वो जो है वो किसके लिए हुआ है, स्पेसिफिक गुड्स, जो ब्लैक हॉर्स जो है उसे हम मानेंगे स्पेसिफिक गुड्स। अब हम देखते हैं अनअसर्टन गुड्स। अनअसर्टन का मतलब क्या होता है, जो कि असर्टन नहीं है। तो अनअसर्टन गुड्स ऐसे गुड्स है जो कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई या असर्टन नहीं हुए है, इसका अपोजिट है ये, ठीक है, जो कि असर्टन नहीं हुए है और आइडेंटिफाई नहीं हुए है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन या सैंपल के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो हम दुकान में सिर्फ ऐसा बोलते थे कि मुझे ये नमक चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो क्या होगी, अनअसर्टन गुड्स। तो देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर ए जो है वो एग्री करता है बी को एक पैकेट ऑफ सॉल्ट जो है देने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स, उसके गोडाउन में 100 पैकेट्स या शॉप में पड़े हैं, और आया बी आया और उसने बोला कि मुझे सॉल्ट चाहिए, तो अब 100 पड़े हैं, उसमें से नहीं पता कि कौन सा सॉल्ट जो है वो चाहिए, स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसीलिए ये जो सॉल्ट जो है वो क्या होगा, अनअसर्टन होगा, बिकॉज इट इज नॉट नोन विच पैकेट इज टू बी डिलीवर्ड, जो उसके हाथ में आएगा वो पैकेट उठाएगा और उसे दे देगा। तो अब हम समझते हैं वो चीज जो पैकेट उठाने के देने का है, तो वो चीज हो जाती है असर्टन गुड्स, मीन्स अनअसर्टन गुड्स थे। और हमने नमक के एग्जाम्पल की बात करी, तो नमक में जब उसने बोला कि मुझे एक सॉल्ट का पैकेट चाहिए आउट ऑफ दी 100 जो भी पड़े हुए हैं, अब उस 100 में से किसी एक पर्टिकुलर सॉल्ट के पैकेट को उसने उठा लिया, तो उस 100 में से जिस पर्टिकुलर पैकेट को उसने उठाया है वो पहले अनअसर्टन था, और जैसे ही उसने पैकेट को उठा लिया तो वही गुड जो है वो बन जाते हैं असर्टन गुड्स। अब हमें पता चल गया कि ये पैकेट ऑफ सॉल्ट ही उसे बेचना है। आई होप आपको असर्टन गुड्स भी क्लियर हो गया हो। तो ये देखिए, जब गुड्स विच आर असर्टन और आइडेंटिफाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसे हम बोलेंगे असर्टन गुड्स। तो पहले गुड्स जो है अनअसर्टन होते हैं, फिर उसमें से मैंने सॉल्ट का पैकेट निकाला आउट ऑफ 100 कोई भी, और वो जो पैकेट निकाला तो वो हो जाएगा हमारा असर्टन गुड्स। आई होप आपको गुड्स का क्लासिफिकेशन, एग्जिस्टिंग गुड्स का क्लासिफिकेशन समझ आ गया हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा फ्यूचर गुड्स का। देखो, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर मीन्स आगे आने वाले जो भी सेल्स जो है उसे हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। कैसे हम देखते हैं, दिस गुड्स विच आर येट टू बी प्रोड्यूस, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे इतनी कोविड वैक्सीन चाहिए, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बट अभी तक कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चालू नहीं हुआ है, पर मैंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे इतनी कोविड वैक्सीन चाहिए। अब वो जैसे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो वो जो है वो फ्यूचर में डिलीवर होगी, तो ऐसे गुड्स को हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। तो देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है, These are the goods which are yet to be produced, manufactured and acquired by the seller. ये तीन टर्म हमें अच्छे से याद रखने हैं, अभी तक प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं और एक्वायर भी नहीं किए गए हैं,
अभी हमने एग्रीमेंट कर दिया है और बाद में जाके जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तब हम बाद में उसको बेचेंगे सेलर को, अभी सिर्फ हमने एग्रीमेंट किया है, तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। तो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। अभी हमने एक्चुअल सेल नहीं किया है, अभी सिर्फ मैंने एग्रीमेंट किया है, इसीलिए जो फ्यूचर गुड जो है वो हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। अभी अभी मैंने सिर्फ ओनली कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाया है तो इट इज नेवर एक्चुअल सेल, बिकॉज अभी तक गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं हुए हैं और अभी तक ट्रांसफर भी नहीं हुए हैं। तो देखिए आपको एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कोविड वैक्सीन का बताया, यहाँ पर दे रखा है एक्स जो कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर है ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स, उसने एग्री किया कि वो 50 पीसेस ऑफ शर्ट जो है वो वाई को सेल करेगा, और ये शर्ट जो है अभी देखो एग्रीमेंट हो गया है और बट अभी तक शर्ट जो है वो 50 शर्ट जो है मैन्युफैक्चर नहीं हुए, तो इसीलिए ये जो शर्ट जब मैन्युफैक्चर अब होंगे तो इसीलिए ये जो शर्ट जो है उसे हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। तो देखिए दिस इज द केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, और इसीलिए फ्यूचर गुड्स जो है हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। अब हम देखते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है। कंटिंजेंट का मतलब होता है कोई भी आगे आने वाली पॉसिबिलिटी जो कि हो भी सकती है, कोई ऐसा इवेंट जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कंटिंजेंट गुड्स जो है वो एक्चुअली फ्यूचर गुड्स होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है, एक्विजिशन ऑफ गुड्स जो है वो डिपेंड करता है कि वो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, डिपेंड करता है अपॉन अनसर्टन कंटिंजेंसी, कोई अनसर्टन इवेंट जो है वो होगा या नहीं होगा। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, अगर आपका एप्पल का फार्म है, ठीक है, अब एप्पल के फार्म में मैंने जो है बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि मुझे जो है इतने एप्पल्स जो है उसको बी को चाहिए, उसके साथ बी के साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया है। अब मैं फार्मिंग जो है एप्पल्स की ऑर्चर्ड में चालू करूंगा, बट अब यहां पर क्या हुआ, हो सकता है कि बीच में नेचुरल क्लाइमेटी, कोई भी हैवी बारिश हो गई है या कुछ भी हो गया, तो एप्पल जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब यहां पर क्या हुआ, कंटिंजेंसी हुई कि एप्पल जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे गुड जहां पर इवेंट पर डिपेंड करता है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे कंटिंजेंट गुड्स। अब यहां पर देखिए एक और इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक्स ने एग्री किया कि वो 50 लैपटॉप जो है वो सेल करेगा और वो आने वाले हैं इंग्लैंड से। अब यहां पर क्या होगा, वो डिपेंड करता है शिप के अराइवल से। अब शिप जो है यहां पर देखिए, यहां पर ये जो गुड्स लैपटॉप जो है वो कंटिंजेंट गुड्स है, एज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि शिप जो है वो सेफ आएगी या नहीं आएगी। अगर बाय चांस अनलकीली कुछ बीच में सी में हो गया और शिप जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहाँ पर एक इवेंट हुआ और लैपटॉप जो है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए, तो इसीलिए वो इवेंट की वजह से। यहाँ पर देखिए इफ द शिप डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन सेफली, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरी तरीके से वॉइड या कैंसल हो जाएगा। आई होप आपको कंटिंजेंट गुड्स भी समझ आ गया। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट में एकदम काइंड ऑफ गुड्स, सेक्शन 6 की बात हम करते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स जो है ओन और पोजेस्ड है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उसे हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। फ्यूचर गुड्स की अगर हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चर ब्रोकर और प्रोड्यूस होंगे फ्यूचर में, अभी हम मैंने सिर्फ एग्रीमेंट कर दिया है, ऑर्डर दे दिया है और वो मैन्युफैक्चर होंगे फ्यूचर में, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स की अगर हम बात करें तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टन गुड्स और असर्टन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स जो है, जो गुड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं स्पेसिफिकली और एग्री हो गए हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। तो ये था हमारा इन डिटेल एंड इन विथ एग्जाम्पल पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। Now the next topic is essential of valid sales. This is very very important from examination point of view. आता ही है, इसको अच्छे से करके जाना है। Essential of valid sales का मतलब होता है ऐसी क्या क्या condition है जिसमें सेल जो है वो effectively contract मानी जाएगी और contract sales of goods act में इसको हम मानेंगे। तो सबसे पहला obviously बात है के टू पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए सेल के लिए।
तो हमेशा अगर एसेंशियल और वैलिड सेल्स की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन है कि दो पार्टीज जो है वो होनी चाहिए, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो हमें पता ही है कि अगर बायर जो है वो किसी सेलर से गुड्स ले रहा है तो पहले गुड्स जो था वो सेलर का था और फिर बाद में सारा कंसिडरेशन पे कर दिया और वो गुड जो है वो खरीद लिया है बायर में, तो सारी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है बायर को। तो कंडीशन नेसेसरी है कि अगर सेल्स है तो एसेंशियल कंडीशन यही है कि यहाँ पर ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर जो है वो हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस। सीधी सी बात है, कंसिडरेशन होना कंपलसरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में हैं तो प्राइस इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर प्राइस नहीं है, कंडीशन नहीं है, अगर आप कोई गुड्स जो है वो फ्री में दे रहे हो तो वो जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। तो प्राइस इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर हम बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, गुड्स के बदले अगर हम गुड्स बेच रहे हैं, तो ये जो है वो कवर नहीं होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो प्राइस या कंसिडरेशन जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है जिससे कि उसे वैलिड सेल्स माना जाएगा। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड्स जो है वो मूवेबल होने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर देखे डेफिनेशन में भी पढ़ा था। यहाँ पर देखे गुड्स जो है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहे हैं जो कि गुड्स मूवेबल नहीं है तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। तो अच्छे से याद रखना है कि मूवेबल गुड्स जो है वो ही कवर होते हैं और वो ही माने जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड सेल्स। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स एग्रीज टू सेल हिज फ्लैट। यहाँ पर फ्लैट की बात करी गई है, फ्लैट जो है वो मूवेबल नहीं होता है। यहाँ पर पार्टीज जो है कोई भी सेल्स तो हो रही है लेकिन वो हो रही है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर नहीं होगा। दूसरा लॉ यहाँ पर कवर होगा। यहाँ पर देखिए द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट गुड्स, फ्लैट जो है उसको हम एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स नहीं मानेंगे और वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होगा। तो नेसेसरी कंडीशन है कि गुड्स मस्ट बी मूवेबल गुड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या कर रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब भी ऑफर दिया गया है बाय और सेलिंग ऑफ गुड्स का फॉर अ प्राइस। यहाँ पर हमने देखा था प्राइस इज द नेसेसरी कंडीशन एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर। ऑफर किया, हमने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हमेशा ऑफर भी होना चाहिए और एग्रीमेंट भी होना चाहिए तो ही वो माना जाता है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एसेंशियल ऑफ वैलिड सेल्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ऑल एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एसेंशियल जो भी चीजें देखिए यहां पर दे रखा है, जो भी एलिमेंट्स है जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, डरा धमका कर नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन प्राइस होनी चाहिए, जो भी पार्टीज है बायर्स और सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मीन्स कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो जितने भी एसेंशियल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे इसमें होने चाहिए तो ही वो माना जाएगा एसेंशियल ऑफ वैलिड सेल्स। तो अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गया। और दो पार्टीज होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, प्राइस इज द नेसेसरी कंडीशन, मूवेबल गुड्स ही होने चाहिए इमूवेबल नहीं होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जितने भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल होते हैं वो भी इसमें होने चाहिए। इसमें हमें ये अच्छे से याद रखना है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमने देखा था, एक होता है सेल और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इट इज वेरी इजी। सेल की अगर हम बात करें, मैंने गुड्स जो है मैं शॉप पर गया, गुड्स खरीदा, मैंने प्राइस पे करी, तो तुरंत क्या हुआ देखिए, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, वेयर द प्राइस इज पेड और नॉट, गुड्स आर डिलीवर और नॉट। जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुकी है तो उसे हम बोलेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए आपको प्राइस पेड और नॉट का मतलब यहाँ पर ये हुआ, अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा हूँ, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में हर मंथली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो
तो यहां पर जहां पर ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गई है तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। और एग्रीमेंट टू सेल, जो मैंने आपको फ्यूचर गुड्स में बताया था कि अभी सिर्फ एग्री हुआ है, अभी सिर्फ मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाद में होगी गुड्स की, तो ओनरशिप टू बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर ओनरशिप स्टिल्स विद द सेलर। जब तक गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है बायर को, ओनरशिप जो है वो सेलर को ही रहती है। तो ये होता है हमारा एग्रीमेंट टू सेल। तो देखिए आप हम डिस्टिंक्शन से समझते हैं, वेरी इजी। सबसे पहला, जब गुड्स जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाते हैं सेलर टू बायर को तो इसे हम बोलते हैं सेल्स। जब फ्यूचर में ट्रांसफर होंगे तो उसे हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल्स। यहां पर राइट्स अगेंस्ट वर्ल्ड होगा और यहां पर होगा पर्सनल राइट्स जो है वो होते हैं। इफेक्ट की बात करें तो तुरंत प्रेजेंट सेल हो गई और ये हम फ्यूचर में करने वाले तो फ्यूचर सेल्स हो गया। और ट्रांसफर की हम बात करें तो प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है तुरंत ही ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली और यहां पर जो है वो लेटर या फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी। रिस्क जो है वो बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क जो है वो सेलर से ट्रांसफर हो जाता है बायर को और यहां पर सेलर के पास ही ओनरशिप रहती है। देखिए यहाँ पे ओनरशिप विद द सेलर, तो इसीलिए रिस्क जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है एग्रीमेंट टू सेल्स में। यहां पर नेचर देखे तो ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस हमने उसका पेमेंट जो है वो कर दिया है, प्राइस पे कर दी है। और यहां पर अभी तक हमने एग्रीमेंट ही किया है, प्राइस पे नहीं करी है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट द फ्यूचर डेट। टाइटल की हम बात करें तो इन सेल्स टाइटल जो है वो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है, किसका गुड्स हो जाता है वो बायर का। और यहां पर एग्रीमेंट टू सेल्स में जो टाइटल जो है या ओनरशिप जो है वो किसके पास रहती है, सेलर के पास ही रहती है। आई होप आपको डिफरेंस के थ्रू समझ आ गया हो सेलर सेल और एग्रीमेंट और सेल्स के बीच में डिफरेंस। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं जो कि हमें एग्जाम में पूछ सकते हैं, सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट। तो हायर परचेस पहले हम समझते हैं, सेल तो हमें पता ही है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हमने पैसा पे कर लिया। हायर परचेस का मतलब जब हम कोई चीज हायर पर ले रहे हैं तो वो चीज होती है हायर परचेस एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायरिंग। ओनरशिप जो है वो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाती है सेल्स पे, लेकिन हायर परचेस में ओनरशिप इज ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब हम इंस्टॉलमेंट मंथली वाइज या अपने जो भी टर्म्स है उसके हिसाब से पेमेंट करें, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट किसी ने बायर जो हायर परचेस एग्रीमेंट में है उससे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर लिए, तब ही ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है। टर्मिनेशन, बायर के पास कोई राइट नहीं है टर्मिनेट करने का कॉन्ट्रैक्ट का। यहां पर बिकॉज इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है तो बायर जो है वो कर सकता है टर्मिनेट एग्रीमेंट एट एनी टाइम, लेकिन बिफोर द ओनरशिप, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले बायर कभी भी इसको टर्मिनेट या कैंसिल कर सकता है। टाइटल की हम बात करें तो बायर जो है वो तुरंत ही, हमने पैसा पे किया और ओनर बन जाता है, तो यहां पर वो गुड टाइटल जो है वो पास कर देता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहां पर हायर परचेज एग्रीमेंट में हायरर जो है जो कि गुड्स हायर पर ले रहा है कैन नॉट ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द थर्ड पार्टी सिंस ही इज नॉट द ओनर। थर्ड पार्टी का मतलब यहां पर है मैंने किसी गुड्स को खरीदा और मैंने किसी और को बेच दिया, तो यहां पर गुड टाइटल मैं किसी और को भी बेच सकता हूं सेल्स में, लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, तो मैं जो गुड्स हायर पर लिया है वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स जो है जरूरी नहीं है एज पर लॉ के राइटिंग में हो, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। यहां पर गुड्स है और गुड्स को सोल्ड किया जाता है तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर सेल्स है ही नहीं तो इसीलिए जीएसटी यहाँ पर लिया नहीं जाता। और इन सेल्स द पेमेंट इज मेड इन कैश और या तो कैश में या इंस्टॉलमेंट के थ्रू। और यहाँ पर कंपल्सरीली एग्रीमेंट जो है वहां पर जो है वो वेरियस अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ही होता है। और यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर होता है हायर परचेस एक्ट 1972। आई होप आपको ये डिस्टिंक्शंस भी समझ में आ गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है सेल और बेलमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं सेल, तो अभी हमने इतना सारा पढ़ ही लिया है। बेलमेंट मीन्स, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझाता हूँ आपको, टेलर का एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारा गुड्स होता है, हमारा कपड़ा होता है, हम टेलर को देते हैं, वो हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसे बनाता है और फिर से हमें दे देता है। तो यहां पर ये जो एग्रीमेंट जो होता है इसे हम बोलते हैं
बेलमेंट मींस गुड्स जो है वो टेलर को नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, वो हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसमें कपड़ा बनाएगा, ड्रेस बनाएगा और फिर से हमें दे देगा। तो यहाँ पर देखिए ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर, जो कि हम कब से पढ़ ही रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगी, मैं टेलर को अगर गुड्स दे रहा हूं तो वो गुड्स जो है वो टेलर के नहीं बनेंगे। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पर पोजिशन जो है या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। यहाँ पर हमने देखा ये बायर और सेलर होते हैं, तो यहाँ पर दो पार्टीज होनी चाहिए, बेलर और बेली। मींस जिसका कपड़ा है वो बेलर कहलाएगा और टेलर जो है उसे हम बोलेंगे, जिसके पास कपड़ा गया है और वो बना के हमें देगा तो उसे हम बोलते हैं बेली। यहाँ पर देखिए द बायर मे यूज द गुड्स इन एनी वे विच ही लाइक। बायर है, उसकी ओनरशिप है, अपनी मर्जी, उसको बेचना है आगे तो वो आगे बेच भी सकता है, वही ओनर है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने टेलर को गुड्स दिया है तो जो भी कपड़ा दिया है वो किसी और को बेच नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए बेली कैन यूज द गुड्स ओनली अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, जैसा मैंने स्पेसिफिकेशन दिया है वैसे ही उसे काम जो है वो करना पड़ेगा। इन सेल्स कोई भी क्वेश्चन नहीं है बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पर पेलमेंट की बात करें तो गुड्स जो है वो रिटर्न करने ही है, जैसे ही उसने ड्रेस बना दी है, जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ है तो उसे गुड्स जो है वो रिटर्न करना पड़ता है, फिनिश गुड्स। यहाँ पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होता है और यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एप्लीकेबल होता है। देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू, एक्स ने 10 बैग्स ऑफ वीट जो है वो वाई को सेल किए अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ₹300। तो ये सिंपल सा केस है सेल का। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको टेलर का एग्जाम्पल दिया वैसे ही हम रिपेयर का देख लेते हैं। एक्स ने अपनी कार जो है वो वर्कशॉप पर दे दी है ठीक कराने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, नॉट अ केस ऑफ सेल बिकॉज कार मैंने सिर्फ ठीक कराने के लिए दी है। तो यहाँ पर ये जो है वो बेलमेंट का केस है, जैसे ही कार रिपेयर हो जाएगी वो फिर से उसे दे देगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो कि बीकॉम के VNSGU में पूछे जाते हैं वो आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए हैं, आपको क्लियर हो गए।